टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील में आर के जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी दबंगई से प्रशासन के अनुमति के बिना टीला दात बांध से रोड निर्माण के लिए पिछले 6 माह से रात दिन पानी निकाल रहे हैं, जिससे बांध पूरी तरह सूख गया है, जिस कारण इस क्षेत्र में पानी की विकराल समस्या उत्पन्न हो गई। इस कंपनी के द्वारा बांध के नालों में बड़ी बड़ी मोटरें लगाकर अपनी फैक्ट्री में पानी ले जाया जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की इस कंपनी से कोई ना कोई मिली भगत जरूर है, क्योंकि जहां से पानी निकाला जा रहा है वहां से प्रतिदिन प्रशासनिक अधिकारियों का निकलना रहता है। जब किसानों और क्षेत्र के लोगों ने पानी निकासी रोकने के लिए जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है, मगर अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब हमारे संवाददाता ने इस फैक्ट्री के अंदर जाना चाहा, तो कंपनी के कुछ लोगों ने अंदर घुसने नहीं दिया। मोहनगढ़ से अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। अब बताइए क्या कारण हमारा काम है आपके यहाँ चोरी से पानी आ रहा है टीला दांत से? तो भाई सेठ जी को तो आने दो। नहीं तो सेठ जी कौन? एमडी हमारे, वो आएंगे। उनसे बात करेंगे, आपको दिखाने के लिए आप क्यों रोक रहे हैं? बिल्कुल कवरेज करो, हम आपको कवरेज करने के लिए नहीं रोक रहे। आपके यहाँ आपने प्रशासन का इतना बड़ा नुकसान किया है किसानों के लिए, जो डैम बना है उसका पानी 6 माह से निकाल के आपने पूरा डैम खाली कर दिया। सेठ जी आएंगे, वो आपसे इस बारे में कब आएंगे? आएंगे 2 घंटे बाद आ रहे हैं। अब बिल्कुल आपका स्वागत है। नहीं, तो हमको तो मिली है, हमको दिखाना है, आपको क्या दिखे? इस समय तो भाई कोई है नहीं है। नहीं तो इसमें जो कुछ नहीं होता है, मीडिया तो कहीं भी जा सकती। बिल्कुल मीडिया के लिए तो प्रधानमंत्री भी नहीं रोक लगाती है, तो फिर हम क्यों रोक लगा रहे हैं? हमको दिखाने दो ना पानी, आपका कागज होगा। किसी की अनुमति लोगे नहीं लोगे? हम शासन से अनुमति लिए हैं। हम खड़े हैं मोहनगढ़ तहसील के टीला दांत बांध के आसपास। आज से करीब 4 से 5 साल पहले मध्य प्रदेश शासन ने मोहनगढ़ तहसील में किसानों की परेशानी को देखते हुए टीला दांत बांध का निर्माण कराया गया था, जिसमें सैकड़ों किसानों की जमीन अधिकृत की गई थी और इस बांध से कम 10 से 12 गांवों की सिंचाई होती थी। लेकिन पिछले 6 से 7 माह पूर्व मोहनगढ़ तकेला से लेकर पृथ्वीपुर तक रोड का निर्माण किया जा रहा था, जिसका ठेका आर के जैन कंस्ट्रक्शन के पास था। लेकिन इस बांध के पास ही उन्होंने की फैक्ट्री लगी हुई है, जहां पर इस बांध से लगातार 6 माह से पानी चोरी से लिया जा रहा है, जिससे बांध पूर्ण सूख चुका है। बांध पूर्ण रूप से सूख चुका है और इस बांध में कुछ ही पानी बचा है। के लिए पानी बचा है और लगातार जो चोरी से पानी कंपनी वाले ले रहे हैं, इसमें कुछ सुनने में तो ऐसा भी आया है कि कंपनी वालों का जिला प्रशासन से कुछ साठगांठ है, जिससे ये इसी रोड से लगातार जिला प्रशासन की कई गाड़ियां निकल रही हैं, लेकिन आज तक इस पानी के निकालने के ऊपर रोक नहीं।